हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में होंगे सुरक्षित। तो बच्चों, चलिए आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं लायोफेविक और लायोफोबिक कोलोइड्स में डिफरेंस। पिछले वीडियोज में जहाँ तक की बात है, मैं आपसे लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलोइड्स के बारे में बताया था, तो आज हम उसी लेक्चर पर डिस्कस करेंगे जहाँ आज हम लोग देखेंगे दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है। बच्चों, पहली बात यह है, कितने बार हमारे बोर्ड्स एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलोइड्स में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए इस टॉपिक को समझते हैं, आइए हमारे साथ फटाफट। तो बच्चों, आज देखेंगे लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलोइड्स। बच्चों, पहला पॉइंट है लायोफिलिक कोलोइड्स में, दीज आर इजीली फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट मिक्सिंग। बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे, जब भी लायोफिलिक कोलोइड्स बनेगा, उसमें अगर हम डिस्पर्स फेज और मीडियम को डायरेक्ट मिक्सिंग कर देंगे, डायरेक्ट मिला देंगे, तो डायरेक्ट मिक्सिंग करने से लायोफिलिक कोलोइड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। सिंपली आप डिस्पर्स फेज को मीडियम में डिस्पर्स करोगे, मिलाओगे, इंटरमिक्सिंग करोगे, तो फॉर्मेशन आपको क्या हो जाएगा, लायोफिलिक कोलोइड्स बन जाएगा। लेकिन यहाँ बच्चों कहा था कि दीज आर फॉर्म्ड ओनली बाय स्पेशल मेथड। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, जहाँ तक की बात है लायोफोबिक कोलोइड्स का, तो लायोफोबिक कोलोइड्स आसानी से डिस्पर्स फेज को डायरेक्टली मीडियम में अगर आप मिला देते हो, अगर डिस्पर्स फेज को डायरेक्टली मीडियम में आप मिला देते हैं, तो वहाँ पे लायोफोबिक कोलोइड्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसलिए बच्चों यहाँ पर कहा गया है कि लायोफोबिक कोलोइड्स जब भी बनेगा तो वह स्पेशल मेथड के द्वारा ही बनेगा। हाँ, अब वहाँ पर हम आपको नेक्स्ट वीडियोज में मैं आपको करूँगा डिस्कस, ये स्पेशल मेथड होता क्या है और हम कैसे बनाते हैं, तो लायोफोबिक कोलोइड्स कैसे बनता है उसके कुछ स्पेशल मेथड्स है। आई बात समझ में? तो बच्चों वहाँ पे कुछ रिएक्शंस होते हैं, जहाँ पे हम लोग केमिकल आपको रिएक्शन कराते हैं, या कुछ और आपको कुछ और मेथड्स होती है जहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना, लायोफोबिक कोलोइड्स का फॉर्मेशन कराते हैं। ये डायरेक्टली मिक्सिंग करने से नहीं बनता है, ठीक है, और ये आपको बन जाएगा। तो बच्चों सेकेंड पॉइंट है, दीज आर वेरी स्टेबल। लायोफिलिक कोलोइड्स स्टेबल होते हैं और ये होते हैं, दीज आर अनस्टेबल एंड रिक्वायर्स स्टेबलाइजर। इसको स्टेबल करने के लिए मुझे इसमें आउटर केमिकल सब्सटेंस को मिलाना पड़ता है। ध्यान देंगे, लायोफिलिक तो स्टेबल होगा लेकिन ये स्टेबल नहीं होता है। अब स्टेबल क्यों नहीं होता है भाई, इसको स्टेबल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, बाहर से क्या करते हैं ना, आउटर केमिकल सब्सटेंस का यूज करते हैं, जिससे बच्चों हम लोग बोलते हैं स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर एक केमिकल सब्सटेंस है, जो केमिकल सब्सटेंस उस पार्ट उसके उस कोलोइडल सॉल के साथ मिलकर जो है ना, आपको उसको स्टेबलाइज करता है। आप क्या करता है, उसको अनस्टेबल को स्टेबल में कन्वर्ट करता है, वो केमिकल पदार्थ को हम लोग स्टेबलाइजर कहते हैं। तो ये स्टेबल हो गया। अच्छा, दीज आर रिवर्सिबल इन नेचर। ये तो पॉइंट मैंने कल पिछले वीडियोज में भी डिस्कस किया था कि ये रिवर्सिबल होगा लायोफिलिक। लायोफिलिक क्या होगा, रिवर्सिबल मतलब क्या होते हैं, अगर हम डिस्पर्सर मीडियम को हटा दें, अगर मेरे पास कोलोइडल सॉल है लायोफिलिक का, तो वहाँ से अगर हम डिस्पर्सर मीडियम को अगर निकाल देते हैं, तो पुनः अगर हम चाहेंगे कि डिस्पर्स फेज में अगर मीडियम मिला दें, तो वह पुनः क्या करेगा, लायोफिलिक कोलोइड्स का फॉर्मेशन कर लेगा। तो अगर मीडियम हटा दो, फेज बच गया, फिर फेज में मीडियम मिला दो, फिर क्या बन गया, लायोफिलिक कोलोइड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो दीज आर रिवर्सिबल होगा। हाँ, लेकिन ये होते हैं इरिवर्सिबल। सर जी, यहाँ पे रिवर्सिबल नहीं होगा, जो एक बार बन जाएगा, हाँ, केमिकल चाहे वो जिसके द्वारा हम बनाएंगे, जिस मेथड से इसको हम बनाएंगे ना, एक बार अगर कोलोइडल सॉल्व बन जाएगा तो फिर वो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो ये दिस कैन नॉट बी रिवर्स। लायोफोबिक कोलोइड्स को रिवर्सिबल हम लोग नहीं कर सकते, ये इरिवर्सिबल होता है। बच्चों, दीज द पार्टिकल्स डोंट कैरी एनी चार्ज। या ये सबसे बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लायोफिलिक कोलोइड जो होते हैं बच्चों, ये लायोफिलिक कोलोइड्स चार्ज कैरी नहीं करते हैं, चार्ज कैरी नहीं करते हैं, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, और ये किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं। जब चार्ज नहीं होगा लायोफिलिक कोलोइड्स पे, ना ही तो पॉजिटिव चार्ज होता है, ना ही इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, कोई चार्ज होता ही नहीं है। इट कैन मूव इन एनी डायरेक्शन, ये किसी भी डायरेक्शन में आपको मूव करता है लायोफिलिक कोलोइड्स। लेकिन यहाँ पर पाबंदी है, लायोफोबिक कोलोइड्स में क्या होता है, आप यहाँ पे है रिस्ट्रिक्शन, जिस पर चार्ज कैरी करेगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव चार्ज होगा कोलोइडल सॉल पे। अगर पॉजिटिव चार्ज है
तो वो उसका क्या होगा डायरेक्शन, वो कहाँ डिफ्लेक्ट करेगा, वो जाएगा कहाँ जाएगा, जाएगा वो जाएगा नेगेटिव प्लेट की तरफ। अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है तो वो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा। तो याद रखना लाइफोबिक कोलोइड्स चार्ज कैरी करता है और वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करता है, मूव इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, वो कहीं ना कहीं किसी खास दिशा में मूव करता है। बच्चों याद रखना लाइफोबिक कोलोइड्स पे चार्ज कैरी करता है आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो ध्यान रखने की कोलोइडल पार्टिकल जो चार्ज कैरी करता है वो लाइफोबिक कोलोइड्स होती है, नॉट लाइफोफिलिक, और वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करेगा, कौन लाइफोबिक कोलोइड्स। अगर इस पर प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव में जाएगा, मूव करेगा डायरेक्शन में। अगर ऑलरेडी इस कोलोइडल सॉल पे नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक डायरेक्शन। अच्छा बच्चों लास्ट पॉइंट है, दे डोंट शो टिंडल इफेक्ट लाइफोफिलिक कोलोइड्स। बच्चों इसमें पार्टिकल साइज इसके रिस्पेक्ट में ऐसा होता है ना कि यहाँ पर टिंडल इफेक्ट नहीं होता है, और यहाँ पे टिंडल इफेक्ट बच्चों आपने पढ़ा होगा क्लास शायद टेंथ में, नाइन्थ में डिस्कस इसकी है, इसका डिस्कस टिंडल इफेक्ट का, ये इफेक्ट होता क्या है। तो बच्चों टिंडल इफेक्ट होता है कि जब मेरे पास अगर कोलोइडल सॉल है, मेरे पास क्या है कोलोइडल सॉल है, अगर यहाँ से बच्चों अगर हम प्रकाश लाइट को पास कराएंगे तो ये लाइट जब इसके अंडर आएगी तो ये लाइट क्या हो जाएगा ना, ऑल डायरेक्शन में क्या होगा ना, स्कैटरिंग, प्रकाश क्या होगा चारों तरफ फैल जाएगी। तो जब कोलोइडल सॉल से ऑर्डिनरी लाइट को पास कराते हैं और वो लाइट जब इस पार्टिकल से टकरा जब अंदर जाती है और इसे टकराती कोलाइड करती है, तो कोलाइड करने के बाद क्या होती है ना, ये ऑल डायरेक्शन में प्रकाश क्या होती है स्कैटर फैल जाती है। तो लाइट का इस तरह से स्कैटरिंग होने की घटना को हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। जब कोलोइडल पार्टिकल से लाइट स्कैटर करती है तो इस घटना को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, और इसके लिए पार्टिकल का साइज होना चाहिए। अगर पार्टिकल साइज बहुत छोटा है, नगण्य है, नहीं के बराबर कुछ है ही नहीं है, तो वहाँ पर टिंडल इफेक्ट नहीं होगा। आपको बच्चों पता होगा कि ट्रू सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर पार्टिकल साइज कुछ होता ही नहीं है, और जब भी होता है ट्रू सॉल्यूशन वो होता है होमोजीनियस, तो सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं होगा, कोलोइडल में होगा। चूँकि इसका पार्टिकल सॉल्यूशन के पार्टिकल के रिस्पेक्ट में थोड़ा बड़ा होता है, मैंने इसका साइज बताया भी था ना पिछले वीडियो में, मैंने बताया था कि कोलोइड का जो पार्टिकल साइज क्या होता है। तो ये आपको लाइफोफिलिक कोलोइड टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाएगा, लाइफोफोबिक में टिंडल इफेक्ट होगा। और टिंडल इफेक्ट के बारे में आपको अगेन आपको मैं बताऊँगा जब आपको हम कोलोइड्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा, जब कोलोइड्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ाऊंगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर हम रूबरू करेंगे ये इफेक्ट होता क्या है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है। फिलहाल आप यहां तक नोट करें, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे बोर्ड्स एग्जाम के लिए। तो चलते हैं बच्चों, फिर आपको नेक्स्ट वीडियोज में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आप सेफ रहें और हमारे इस चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय M.K. मिश्रा को अधिक से अधिक प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं आपसे बस क्या बताऊँगा, जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, आपका प्यार बस उतना ही हमारे लिए उतना आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप यहीं पर इस लेक्चर ख़त्म करते हैं, आज का जो लेक्चर है यहीं पे एंड होती है, तब तक के लिए आप बाय बाय, ओके, लव यू।